I, Vijay Victor, welcome you, my dear students, in e-learning classes of our St. Michael's Academy. Now, in this video, this is the concluding portion of this topic. And now, we are going to derive a number of formula for electric power. So, again, before I start deriving the formula, I would like to ask you what you understand by the term power, which we have studied in class 9. पावर फिजिकल टर्म से क्या समझते हैं बताइएगा। पावर मीन्स दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। इसको मैं आपको एक मोटरसाइकिल से समझाता हूं। प्राय मोटरसाइकिल आप देखते होंगे कि 110 सीसी का होता है, पता है ना? और एक मोटरसाइकिल 320 सीसी का है। एक मोटरसाइकिल 110 सीसी का है, एक मोटरसाइकिल 320 सीसी का। देखते हो ना हेवी वाला मोटरसाइकिल जो आता है, केटीएम। क्या नाम है उसका? केटीएम। केटीएम रेंजर। चलिए निंजा। अब मान लीजिए कि दोनों में एक लीटर तेल अगर खर्च हो रहा है 320 सीसी वाले मोटरसाइकिल में और 110 सीसी वाले में, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? एक लीटर में 110 सीसी वाला कि 320 सीसी वाला? 110 सीसी वाला। उसमें कंज्यूमिंग एनर्जी क्या है? कम है। इसमें कंज्यूमिंग एनर्जी ज्यादा है। पावर किसका ज्यादा हो गया? 320 सीसी का। अब रेस लगाया जाए दोनों में, कौन से चलेगा? क्योंकि क्या उसकी ज्यादा है? पावर ज्यादा है। तो क्यों पावर ज्यादा है? कि उसका कंज्यूमिंग एनर्जी कैपेसिटी क्या है? 110 सीसी वाले से ज्यादा। नाउ अंडरस्टूड मींस इफ पावर मींस रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इन दिस बोथ दिस डेफिनेशन कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर एंड फ्रॉम बोथ दिस डेफिनेशन कैन फाइंड कैन डिराइव टू फॉर्मूला विच मीन्स पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एटी। बिकॉज जस्ट नाउ इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ एनी फिजिकल टर्म which means you have to divide that physical term by which quantity? Time. Yaad rahega bachcho? Yes sir. Then this is the first formula. Again the second formula P we can write here. E upon T. Why E upon T? Because power can be also define that rate of consuming electric energy. As in that case I have explained you in the case of 320 cc motorcycle and 110 cc. Motorcycle. Now, in the previous video, we have studied that E is equal to V into I into T. We have studied? We know that. Another P is equal to V I T. Replace E in equation number 2. So, P is equal to kya ho jayega hamara? V I T. अपॉन टी। ओके बच्चों, तो टी और टी कैंसिल। पी इज इक्वल टू वी इनटू आई। दिस इज द फॉर्मूला नंबर थर्ड। मिला आपको? नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। ये पढ़ा है हम लोग। रिप्लेस दिस वी फॉर दिस वन इक्वेशन नंबर 3। सो पी इज इक्वल टू इन द प्लेस ऑफ वी व्हाट वी राइट हियर आई आर इनटू आई। सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दिस इज द फार्मूला नंबर 4। अगेन वी रिप्लेस हियर अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन
So now replace in equation 3. So P is equal to V into I क्या क्या लिखा बच्चों? निकाला V upon R. So P is equal to V square upon R. This is the formula number 5. So how many formula we have derived for P? P is equal to W upon T. P is equal to E upon T. P is equal to V into I. P is equal to I square R. And P is equal to V square upon R. Okay. Now, the last segment for this one. Now I am going to explain you the transformation of commercial unit of power into energy. आप सब लोग घर में बिजली का बिल आता होगा? आता है बच्चों? तो आप बिजली के बिल किस में किस टर्म में आता है? यूनिट में आता है. वेरी गुड. देखते हैं इतना यूनिट हुआ 1300 यूनिट हुआ, 1100 यूनिट हुआ, कम खर्च करते हैं तो 400 यूनिट हुआ, 500 यूनिट हुआ. अब चोरी करने की कोई संभावना नहीं है जब से वो केबल वायर लग गया. तो अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में दैट हाउ टू कन्वर्ट द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इन एनर्जी. आई रिक्वेस्ट प्लीज टू टेक ए क्लोज वीडियो सो दैट स्टूडेंट वी हैव वी वांट टू नोट इट डाउन. They will not miss any term because now I am going to drop the portion. आप यहाँ से ले लीजिए. मैं यहाँ पर इस पोर्शन में मैं लिखा हूँ. ठीक है. कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. Now I'm going to convert this one in energy. कितना energy होगा? इसके पहले एक छोटा सा चीज मैं miss कर गया वहाँ पर. When you have studied the definition, basic definition of power, then we have that P is equal to W upon T or upon T. So when we try to derive this SI unit, then what is the SI unit of energy? Joule. What is the SI unit of time? Second. Which means that 1 joule upon 1 second is equal to 1 watt. What is the SI unit of power? So how we define 1 watt? If 1 joule of work, 1 joule of electric work is done, or 1 joule of electric energy is consumed in 1 second, the power of that electric device or electric appliances is 1 watt, which means watt is equal to joule upon second. You understood? What's the definition of 1 watt? If very simply, if 1 joule of work is done, or 1 joule of electric energy is consumed in 1 second, then power of that electric appliances is 1 watt. Means watt is equal to joule upon second. Now here, please put on your mask. 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and 1 hour is equal to 60 into 60 seconds. Means 1000 into 60 into 60 watt second. 6 6 36. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. And watt is equal to second cancel, means that is equal to 3.6 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 kilowatt hour is equal to
इतना जूल। अब इसको एक 30 सेकंड में अगर समय और होगा, पुराना वाला पंप आप देखे होंगे ऐसे होता है, ठीक है ना, इसमें लिखा रहता है 100 वॉट 220 वी। अगर 100 वॉट को के एक बल्ब को एक घंटे तक आप जलाइएगा तो कितना आपका बिल उठा, 1 वॉट आवर। 100 वॉट के बल्ब को एक घंटे तक जलाइएगा तो कितना आपका बिल उठाकर 1 वॉट आवर। यानी किस तरह के 10 बल्ब आप एक घंटे तक जलाइएगा तो तब कितना होगा हमारा 1 किलो वॉट। इस तरह से बिजली का बिल उठता है। एसी चलाइएगा जो 1.5 टन का होता है तो बहुत पास उठेगा, 1.5 टन में बताइएगा तो 1.5 यूनिट उठ जाएगा हमारे एक घंटा में, समझ रहे ना वो तो बहुत फास्ट होता है। इस तरह एसी हो गया, फ्रिज हो गया। सो हियर आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एज पर कंप्लीटेड योर दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस बेसिस। सो टिल देन नोट इट डाउन बच्चों, try to solve some numericals and come up with your doubt. I will solve your doubt. Till then, all the best.